Hello students, welcome in translation series of English class. Today we will study about tenses. Tense का आज simple और indefinite form का structure और उसके examples के आज हम study करेंगे. We see present simple और present indefinite tense. Simple and indefinite एक ही चीज है. हम चाहे present simple tense बोले या फिर present इनडेफिनेट टेंस बोले. फर्स्ट नंबर, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस वी वन फर्स्ट नंबर प्रेजेंट सिंपल टेंस वन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वन एंड वन. इस तरह से आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद करना है कि फर्स्ट नंबर पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अब सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी. तो प्लूरल में आप यूज करते हैं आई वी दे मैनी नेम्स में अगर चलता है तो जो प्लूरल का आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीधा सीधा यूज करते हैं. लेकिन अगर सिंगुलर आ गया ही शी इट किसी का नाम तो फिर हम क्या करते हैं वर्ब के फॉर्म में एस या फिर ईएस का यूज करते हैं. सी एग्जांपल, आई राइट अ लेटर. आई को हम एज ए प्लूरल डील करते हैं. आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट अ लेटर. सिंगुलर एग्जांपल इज ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट. लेकिन आपको करना क्या है, एस या ईएस का यूज करना है ना, सिंगुलर है तो ही राइट्स, राइट में एस लगा दिए, ही राइट्स अ लेटर. नेक्स्ट इज पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सब्जेक्ट तो सभी में सेम होता है. अब आपको देखना है इस टू नंबर पे आया है टेंस तो यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है टू हमने यूज किया यहां पर सेकंड नंबर पर तो यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है. वर्ब के फॉर्म कौन से होंगे, कहां यूज करना है, इसको याद करने का एक तरीका है. तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड नंबर पर पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म. अब राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट. आई रोट अ लेटर, सिंपल. अब यहां पर आपको टेंशन नहीं है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है सभी के साथ चाहे कोई भी सब्जेक्ट. नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सब्जेक्ट यहां पर आपको याद रखना है कि देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है शेल विल, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है शेल या फिर विल का. वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म चलेगा. अब देखना ये कि शेल किसके साथ यूज होता है और विल किसके साथ यूज होता है. हमेशा आपको याद रखना है फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शेल का यूज करेंगे और आई वी को हटाकर जितने भी सब्जेक्ट कोई भी होंगे यू ही शी दे इट किसी का नाम सभी के साथ वी विल यूज विल, हम विल का यूज करेंगे. तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में शेल प्लस वी वन, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो फिर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सीधे एग्जाम्पल, आई शेल राइट अ लेटर. यू के साथ बताइए क्या आएगा, शेल या फिर विल, राइट विल. यू विल राइट अ लेटर. सो आई होप समझ में आ गया आपको, एकदम क्लियर है, डेड इजी, कुछ भी दिक्कत नहीं समझने की. फिर भी अगर कहीं कोई भी दिक्कत आती है प्रॉब्लम आप अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं पढ़ूंगी और उसका आंसर जरूर दूंगी आपको. ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर.